अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला भिंडी, जो कि बहुत मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसमें हमें चाहिए भिंडी, प्याज, तेल, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, धनिया ज़ीरा पिसा हुआ, नमक, लाल मिर्च पिसी हुई और हल्दी। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पतीली में तेल डालेंगे और तेल के गर्म होने का हम इंतज़ार करेंगे। तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। भिंडी को चंद मिनट तक हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो लेस है चिकना ही है वो ज़रा ख़त्म हो जाए, तकरीबन 5 मिनट। तो हमारी भिंडी की लेस ख़त्म हो गई है तो इसको हम डिश में निकाल लेंगे, बाउल में। बाउल में निकालने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम चंद मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज को हल्का फ्राई करना है। जब प्याज हल्की फ्राई हो जाए तो इसमें हम फिर सारे मसाले डाल देंगे। अब सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भून चुका है। इसमें हम टमाटर डालेंगे चॉप किए हुए और टमाटर को भी ज़रा थोड़ा सा भूनेंगे। जब टमाटर थोड़े भून जाएं तो भी इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। हरी मिर्च पिसी हुई डाल देंगे और लाल मिर्च पिसी हुई, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक, नमक हसबे ज़रूर डालिएगा। टमाटरों के साथ में मसाले को भून लें। मसाला भूनते हुए थोड़ा पानी डालेंगे हम ताकि मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून जाएं और जले भी ना। हल्की आंच पर हम ढककर इसको भूनेंगे। अब मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून गया है। और टमाटर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से ना मिक्स हो गए। फिर इसमें
फ्राई की हुई भिंडी डाल देंगे। और भिंडी को भी चंद मिनट तक हम भुनेंगे। और भिंडी जरा मिक्स हो जाए मसाले में, भून जाए अच्छी तरीके से। तो इसमें एक कप पानी डाल देंगे हम। पानी डालकर हम आंच को ज़रा धीमी कर देंगे ताकि हमारी भिंडी भी गल जाए और टूटे भी ना। मसाला भिंडी को हमने 10 मिनट तक हल्की आंच पर ढककर पकाया। भिंडी गल भी गई है और मसाला भून भी गया। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। हमारी मज़ेदार सी मसाला भिंडी तैयार है।